नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। चलिए आपको फटाफट खबरों से कराते हैं अपडेट। रोहना में नेशनल हाईवे 334B बाईपास पर मिला अज्ञात का शव, शरीर पर मिली चोट के निशान, हत्या की आशंका। बुधवार की सुबह रोहना गांव में नेशनल हाईवे 334B पर बाईपास के ऊपर एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष है, जिसके चेहरे और शरीर पर चोट मारी गई है। सुबह सैर करने के लिए निकले ग्रामीण जब बाईपास के पास पहुंचे तो उन्होंने बाईपास किनारे युवक को मृत अवस्था में पड़ा देखा। शव को देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन फिलहाल शव की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक के चेहरे व शरीर पर चोट के निशान हैं। फिलहाल पुलिस शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। ग्रामीणों व पुलिस द्वारा आशंका जताई जा रही है कि या तो किसी ने युवक की हत्या कर शव को यहाँ छोड़ दिया, या हो सकता है कि बाईपास पर लूट के इरादे से युवक की पिटाई की गई हो और उसने दम तोड़ दिया। सड़क हादसा हुआ हो या फिर कोई झगड़ा हुआ हो, इसके अलावा विभिन्न तरह की संभावनाओं की पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत भिजवा दिया है और शव की शिनाख्त हो इसके लिए विभिन्न पुलिस थानों में इसकी सूचना भी दे दी गई है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, जी हाँ, श्री खाटू श्याम जी के प्रेमियों के लिए खुशखबरी। खरखोदा से श्री खाटू श्याम जी के लिए बस यात्रा 17 अक्टूबर 2021 रविवार को खरखोदा से श्री खाटू श्याम जी के लिए बस जाएगी। जो भी श्याम प्रेमी जाना चाहते हैं वो अपनी टिकट आज ही बुक करा लें। टिकट बुक कराने के लिए आधार कार्ड जमा करवाएं। एसी लग्जरी बस का किराया 951 रुपए, जिसमें आपको धर्मशाला और चाय नाश्ता मिलेगा। टिकट बुक कराने के लिए संपर्क करें अरुण शर्मा, श्याम प्रभु बस सेवा 9896982287। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ मकड़ ट्यूलिप हॉस्पिटल में अपनी ENT की सेवाएं दे रहा हूँ। ENT स्पेशलिटी में नाक, कान और गला, इन सब के जो बीमारियां हैं उनको देखा जाता है। इसमें हम नाक, कान, गले की बीमारियां, जैसे कान के पर्दे में छेद होना, कान की हड्डी गल जाना, कान से सुनाई ना देना, चक्कर आना, ये सब दिक्कतें हम देख रहे हैं। नाक की दिक्कत, नाक से खून आना या फिर नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाना, नाक में मांस बढ़ जाना। अगर इस किसी भी दिक्कत से आपको किसी भी चीज़ का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है, वो ऑपरेशन भी यहाँ पर सब सुविधाओं के साथ उपलब्ध हैं। दूरबीन के साथ हो जाता है, बिना चीरे के हम ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर। गले के लिए टॉन्सिल का ऑपरेशन हो गया, एडिनोइड्स के हो गए, जो नाक के पीछे मांस बढ़ जाता है, बच्चों में एडिनोइड्स बोलते हैं, जिसकी वजह से बच्चा मुँह खोल कर सोता है, वो सब दिक्कतें। बच्चे के अंदर, गले के अंदर टॉन्सिल जब बढ़ जाता है तो उसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो उस चीज़ के लिए ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वो ऑपरेशन करने की सुविधा, वो भी हम लेज़र से या फिर नॉर्मल प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। जैसे भी जो भी सुविधाएँ हैं, आधुनिक सब सुविधाएँ हैं, वो सब यहाँ ट्यूलिप हॉस्पिटल में उपलब्ध। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। समाचार विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।